अस्सलामुअलैकुम माय टिप की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लजीज पकवान में बन रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त समोसा रोल, या फिर आप इन्हें आलू के स्प्रिंग रोल्स भी कह सकते हैं। इतने डिलीशियस, इतने ज़बरदस्त, एक बार आप इसे बनाएंगे तो बहुत आपको पसंद आएंगे। YouTube पर बहुत सारी स्प्रिंग रोल्स की रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। इनका जो तरीका है बनाने का, स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी ये बहुत ज़बरदस्त रोल्स बनकर तैयार होंगे। तो जल्दी से चलेंगे रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये स्प्रिंग रोल्स की जो शीट है वो मैंने घर पर बनाकर तैयार करी है बहुत ही आसान मेथड के साथ। इंशाल्लाह आगे इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जो मैं रोल बना रही हूँ वो आप रेडीमेड जो शीट्स आती हैं स्प्रिंग रोल की उससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे मेन इसकी स्टफिंग है, इसका जो तरीका है बिल्कुल अलग है बनाने का, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इसको बनाने के लिए एक पैन में शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें शामिल करा 1/2 टीस्पून जीरा चुटकी भर हींग, एक छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था उसे चॉप कर लिया था वो शामिल कर देंगे। इसे सौते करेंगे। मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इन्हें हल्का सा हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, और इसके साथ इसमें शामिल करूंगी 3-4 हरी मिर्चें बारीक कट करी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के बॉयल आलू लिए थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं, और बस इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। फिर यहाँ पर मैंने बॉयल मटर लिए थे उन्हें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप मटर की जो क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में मटर सबको बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मटर डालने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल हो रखे हैं तो हमें इन्हें गलाना नहीं है, बस अच्छे से आलू के साथ इन्हें हम भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो इस रेसिपी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे, इसकी जो स्टफिंग है वो इससे बहुत लाजवाब बनेगी। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून क्रश करके ऐड करेंगे, हरा धनिया, और लास्ट में ये अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना खट्टा या स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अमचूर पाउडर से थोड़ी सी खटास आती है, नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफिंग रेडी है, इसे ठंडा कर लेंगे। अब चलेंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स शीट मेरे पास थी जो मैंने आपको बताया कि मैंने होममेड बनाई है इन्हें, तो आप यहाँ पर रेडीमेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस पर स्टफिंग को अप्लाई करेंगे और इन स्प्रिंग रोल्स में स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा जाएगी। आमतौर पर हम जो स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करते हैं उसमें स्टफिंग कम जाती है, पर ये वाले जो स्प्रिंग रोल्स हैं इनमें स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। बस इन्हें यहाँ पर इस तरह से सील कर लेंगे, और इन्हें सील करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था और इसका एक ग्लू बना लिया था। इस तरह से हम इस पर अप्लाई कर लेंगे और स्प्रिंग रोल को इससे सील कर देंगे, जिससे हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी जो स्प्रिंग रोल्स या समोसा रोल्स आप इन्हें कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो एक बार में मैंने यहाँ पर सारे ही बनाकर तैयार कर लिए थे, और मैंने यहाँ पर 4 से 5 ही स्प्रिंग रोल बनाए थे, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है। आप अपने हिसाब से स्टफिंग बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप जिस क्वान्टिटी में बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। एक बार इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे तो पूरे रमज़ान आप इसे इंजॉय करेंगे, और रमज़ान के बाद भी आम दिनों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारे स्प्रिंग रोल्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए थे, और आप इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अभी रमज़ान में काफ़ी रोज़े हमारे बाकी हैं, अभी 15 से 16 रोज़े रह गए हैं, तो आगे के टाइम के लिए आप इन्हें बनाकर स्टोर कर लें और बस अफ्तार के टाइम पे इन्हें फ्राई कर लें। अब चलेंगे इसके फ्राई करने के प्रोसेस में। कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी स्प्रिंग रोल्स, और इन स्प्रिंग रोल्स की खासियत यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मुझे 5 से 7 मिनट इन्हें लगा था, और मीडियम आंच पर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। कहीं से भी कोई भी रोल कच्चा नहीं था, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही करारे बनकर तैयार हुए थे, मतलब बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो एक बार आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब बस इन्हें अलट पलट कर हम जब तक इन पर अच्छा सा कलर ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर ही आप इन्हें फ्राई करें। तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से इनका कलर आ जाएगा और अंदर से ये कुक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही स्प्रिंग रोल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ या फिर मोमो की जो चटनी होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो फीडबैक भी ज़रूर दें। अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।